वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। आज हम शक्करकंदी के गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। ये मैंने 250 ग्राम शक्करकंदी ली है, स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं, इसे हमने बॉईल कर लिया है, यानी कि उबाल लिया है। उबालने के बाद इसे अच्छी तरह छील कर हम इसको मैश करेंगे। और उसके बाद चाहिए हमने चीनी, शुगर, किशमिश, आमंड्स, काजू, बादाम और दाखें, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर, देसी घी और मैदा, और चाशनी बनाने के लिए पानी। हम सबसे पहले हम शक्करकंदी को मैश करेंगे। ऐसे ये मैंने पहले तोल तूल के मैं पहले शक्करकंदी को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप मैदा। मैं इसे टेबलस्पून से मिला रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से इसका हिसाब है। अब इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर, ये टेस्टी बनते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, अदरवाइज इसके बिना भी चल जाएगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिक्स किया है और अब इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है वो किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए मिलाया जाता है। और अब इसमें मिलाएंगे हम बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारे जो गुलाब जामुन है वे अच्छी तरह फूट जाए, फूल कर ऊपर आ जाएं। ये मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी, और घी मिलाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर इसका सॉफ्ट सा डो बनाना है उसमें, ताकि जब हम गुलाब जामुन बनाएं तो बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। जो घी है वो मेल्ट करके डालेंगे क्योंकि नॉर्थ में सर्दी बहुत पड़ रही है और जो घी है वो जमा हुआ है। मेल्ट करके 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी मिलाया है। अब हम इसे मसल मसल कर अच्छी तरह आटे को गूंथेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे जब हम इसके गुलाब जामुन बनाएं। बेटे प्लेट लेके आ, स्टील थी सुनो नहीं पता लगे ना जी। अब हमने इस डो को इतना ज़्यादा मसलना है कि जैसे कि हम आटा लगाते हैं, गूंथते हैं, अगर आपको ज़्यादा लूज लगे तो आप इसमें मैदा और भी मिला सकते हैं। ऐसे हाथों से अच्छी तरह आटे की तरह गूंथना है। आठ दस मिनट इसे गूंथने में लगते हैं। एक तरफ 150 ग्राम चीनी लेंगे, ये मेरे पास 150 ग्राम चीनी है, और इसकी हाफ क्वांटिटी में हम इसमें पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएंगे, क्योंकि चाशनी हमें ठंडी चाहिए, इसलिए हम चाशनी बनाकर छोड़ देंगे और तब तक हम गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 1.5 बाउल इसमें पानी का डाला है। हम
हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे और बीच में एक एक किशमिश और बादाम रखते जाएंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप इसके गुलाब जामुन बना लीजिए। ऐसे उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, नहीं तो ये फट जाएंगे तलते वक्त, है नहीं? फ्राई करने के बाद ये फूल भी जाते हैं। अगर आपको छोटे गुलाब जामुन पसंद हैं तो आप छोटे गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, क्योंकि आफ्टर फ्राई ये साइज़ में डबल हो जाते हैं चाशनी भरने के बाद और फ्राई करने के पश्चात। ऑयल चेक करेंगे थोड़ा सा जो डालकर के ऑयल गर्म है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो ऊपर से काले हो जाएंगे और बीच से कच्चे रह जाएंगे। ये मैंने आँच सिम कर दी है, सिम आँच पर हमें ऐसे फ्राई करेंगे उल्टा पलटी कर थोड़े थोड़े से गुलाब जामुन हम ऐसे फ्राई करेंगे। ये आँच मैंने कम कर दी है, ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। चाशनी हमारी उधर बिल्कुल तैयार है और इसे हम ठंडा करेंगे चाशनी को। चाशनी को हम ठंडा करेंगे, हमारी चाशनी अभी ठंडी नहीं हुई है इसलिए हमें गुलाब जामुन निकाल लेंगे एक बार और फिर से गरम गरम वो गुलाब जामुन ठंडी चाशनी में डालने होते हैं, एक बार हम फिर इसे गरम कर लेंगे। अब ऐसे ही करते हुए हम सभी गुलाब जामुनों को सिम आंच पर फ्राई करेंगे। तेज़ आँच पर हमने फ्राई नहीं करनी है, इससे क्या होगा कि जो हमारे गुलाब जामुन है वो बीच से में कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगे। हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें अपने गुलाब जामुन डालेंगे और इसे ढककर आधे से एक घंटे तक रख देंगे, जिससे कि जो चाशनी है वो बिल्कुल अंदर तक चली जाए। ठीक हो गया, घंटा हो गया है और हमने चाशनी में से जो गुलाब जामुन है बाहर निकाल लिए हैं। देखिए कैसे फूले हुए बिल्कुल खोए के गुलाब जामुन वर्गे हमारे गुलाब जामुन बने हैं और ये खाने के लिए रेडी है। आप इस पे डेजिकेटेड कोकोनट वगैरह लगा सकते हैं और एक एक बादाम काजू से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और इस पे डेजिकेटेड कोकोनट भी लगा सकते हैं, ये फिर और भी अच्छे लगेंगे। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिए। ये गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छे बनते हैं और आप ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि कैसे लगे। थैंक्स वेरी मच।